गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और ये बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का है। देखिए, तो 2023 का क्वेश्चन पेपर है और बायोलॉजी का ये पेपर है। सेट जो रहेगा इसमें ए रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, उसको हम सोल्व करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या पूछना चाह रहा है। द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल ग्रेसहॉपर इज, यानी ग्रेसहॉपर में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर दोगे इस क्वेश्चन का, वो तो हो जाएगा सी, यानी एक्सोटाइप होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ये। लेकिन हम नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं, जो एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोम होता है ये किस में मिलेगा। ये मिलेगा ह्यूमन फीमेल में, यानी ह्यूमन में जो फीमेल होती है उसमें क्या मिलता है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स टाइप का मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे ये भी बन जाता है। और एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो सेक्स क्रोमोसोम है ये किस में मिलता है, ये भी ह्यूमन में मिलता है, लेकिन ये ह्यूमन में किस में मिलेगा, मेल में मिलेगा, सॉरी ह्यूमन मेल में ये सेक्स क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जेड जेड। तो जेड जेड टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है वो मिलता है मेल बर्ड में। किस में मिलेगा, जो जेड जेड टाइप है मेल बर्ड में मिलेगा। ठीक है, अगला एक और होता है जिसको हम जेड डब्ल्यू टाइप बोलते हैं। तो जेड डब्ल्यू टाइप जो होता है वो मिलता है फीमेल बर्ड में। किस में मिलेगा, फीमेल बर्ड में मिलेगा। ठीक है, अब फीमेल जो होती है बर्ड में उसके डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे हैं। ठीक है, एक्स वाई हो गया, एक्स एक्स हो गया, और एक्सो टाइप हो ही गया है, जेड डब्ल्यू टाइप यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमने पांच क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। अब जेड डब्ल्यू जो टाइप होता है वो फीमेल बर्ड में है, तो इसलिए जो फीमेल होती है बर्ड में वो क्या होती है, वो हेट्रोगेमेटिक कंडीशन में होती है। हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, तो ये होगी हेट्रोगेमेटिक। ठीक है, तो क्योंकि जेड डब्ल्यू टाइप है इसमें डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम हैं, और जो इसमें मेल होता है वो होमोगेमेटिक होता है। ठीक है, तो जेड डब्ल्यू टाइप किस में, फीमेल, फीमेल में। तो यहाँ पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो फीमेल यहाँ पे क्या रहेगी, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, किसमें, बर्ड में। और अगर हम देखें ह्यूमन में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो मेल होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमने पांच क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। किसी भी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी इफेक्टिव कोडॉन्स आर फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। देखो, सबको पता है कि अमीनो एसिड टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं, लेकिन दो और भी होते हैं जो सेमी एसेंशियल होते हैं, वैसे टोटल क्या हो जाएंगे, फिर 22 हो जाएंगे, लेकिन हम 20 को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 20 अमीनो एसिड को बनाने के लिए कितने कोडॉन होते हैं, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, वो देखते हैं, और इससे हम एक एक नहीं कई क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल अमीनो एसिड कितने हो गए, 20। अब इसमें दो होते हैं सेमी एसेंशियल, इनके हिसाब से ये हो जाते हैं 22। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 61 कोडॉन होते हैं टोटल जो 20 अमीनो एसिड को बनाते हैं। लेकिन अगर टोटल कोडॉन की अगर हम बात करें वो कितने होते हैं, वो होते हैं 64। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि टोटल कोडॉन कितने होते हैं, तो 64 हो गया। ठीक है, और 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए कितने होते हैं, तो 61 होते हैं। ठीक है, अब इन टोटल में से जो तीन हैं, उन तीन को हम क्या बोलते हैं, उन तीन को बोलते हैं हम स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। ठीक है, और स्टॉप कोडॉन को हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोल सकते हैं। तो स्टॉप कोडॉन है कौन से, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पेपर में आता है, यूएजी, यूएए, एक होता है यूजीए। तो ये तीन क्या हो जाते हैं, स्टॉप कोडॉन हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, कोई सा भी आ सकता है और तीनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमारे स्टॉप कोडॉन हैं तीनों, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाए।
तो ये ध्यान रखने हैं। तो एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल हो जाते हैं 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो एक एंजाइम से पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, तो टीआरएनए को कौन सा आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। क्या है भाई? एक एंजाइम है ये, ठीक है। और एंजाइम का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम है। तो टीआरएनए को कौन सा ट्रांसक्राइब करेगा, ये चीज़ हमने देखनी है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर हम देखें, जो फर्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए, यानी राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? ये है एमआरएनए के लिए, ठीक है भाई। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एमआरएनए सेकंड के लिए। तो तीन क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, तो तीनों ऑप्शन से हमने तीन क्वेश्चन बनाए, तीनों में से ज़रूर आएगा कोई ना कोई, ठीक है भाई, किसी ना किसी सेट में तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हमने यहाँ पे भी तीन बनाए हैं। थर्ड का आपका पता लग गया टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा, सेकंड का पता लग गया एमआरएनए को करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग, यानी ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, यानी आंसर ए इसमें क्या है? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इवोल्यूशन वाले चैप्टर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज हाइज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्यूरी देयर डेड्स, यानी कौन से ह्यूमेन थे जो अपनी बॉडी को स्किन से कवर करते थे और जब इनकी डेथ हो जाती थी तो उसमें उसको मिट्टी में दबा देते थे, यानी दफनाते थे। तो इनका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी नियंडरथल मैन। तो नियंडरथल मैन वो मेन थे, वो ह्यूमेन थे जो अपनी बॉडी को स्किन से कवर करते थे और जब डेथ हो जाती थी उसको दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबॉडीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन कोलेस्ट्रम, यानी कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी जो मिलती है वो कौन सी होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रम क्या है, क्योंकि कोलेस्ट्रम एक नंबर का क्वेश्चन इससे भी बनता है कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रम। तो ये क्या है इसको भी हम देख लेते हैं, कोलेस्ट्रम क्या है, ठीक है भाई। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है? मिल्क सिक्रीटेड, यानी जो मिल्क सिक्रीट होता है ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ नहीं, यहाँ पे होगा आफ्टर, यानी मिल्क सिक्रीट ड्यूरिंग इनिशियल डेज आफ्टर डिलीवरी, यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद जो शुरुआत का जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम, जो एक तरीके का येल्लो इस फ्लूड होता है, यानी जो मिल्क होता है। तो इसमें क्या मिलता है? इसमें एंटीबॉडी जो मिलती है वो मिलती है IgA, ठीक है भाई। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? IgA। और IgE जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी के लिए, ठीक है। अगर हमें कोई एलर्जी हो जाती है, एनवायरनमेंट से कोई एलर्जी हो जाती है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। IgM जो एंटीबॉडी है ये होती है ब्लड में, ठीक है। IgG, तो IgG जो है ये भी वैसे तो ब्लड में ही होती है जो एंटीबॉडी है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू न्यूट्रलाइज
टॉक्सिन्स यानी टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देती है, जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होंगे, ठीक है, और वायरस को भी, वायरल पार्टी को भी न्यूट्रलाइज का काम न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो इसमें भी हमने एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है भाई, चार नहीं पांच बनाए हैं, एक कोलोस्ट्रम को भी हमने बनाया। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्राई फर्स्ट एसी जो है ये कौन से प्रोटीन को बनाता है ये जीन, तो इसका राइट आंसर क्या है वो देखते हैं। द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राई फर्स्ट एसी, यानी जो क्राई फर्स्ट एसी जीन है वो किसको करेगा, कॉटन बुलवॉर्म को, ठीक है, तो कॉटन बुलवॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्न बोरर जो है इसके लिए कौन सा जीन होता है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है, तो इसका जीन हो जाएगा क्राई, इसका हो जाएगा क्राई फर्स्ट एबी, ठीक है, तो कॉर्न बोरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्राई फर्स्ट एबी, और जो कॉटन बुलवॉर्म है इसके लिए एक और होता है जिसको बोलते हैं क्राई सेकंड एबी। तो एक से दो क्वेश्चन बने तो दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये चीज़ भी देखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, ये चीज़ भी हमें देखनी है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रहेगा ये रहा, जो आठवां क्वेश्चन है वो क्या है, बाय विच एंजाइम बैक्टीरियल सेल इज़ ब्रोकन, यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, तो सेल वॉल को हम डाइजेस्ट करना चाहते हैं अगर हमें डीएनए निकालना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के काम आता है, और डीएनए को हम फिर उससे क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसी से हम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और भी बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है बैक्टीरियल सेल, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पूछ क्या रहा है। तो एक अगला क्वेश्चन होता है कि प्लांट सेल वॉल अगर हो तो तब कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, तो प्लांट सेल में एंजाइम यूज़ करेंगे सेल्यूलेज, ठीक है, तो सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो प्लांट सेल को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है, इट्स प्लांट सेल वॉल को, ठीक है, अगर हमने प्लांट सेल से डीएनए आइसोलेट करना है तो सेल्यूलेज एंजाइम यूज़ करेंगे। प्लांट सेल जो होती है वो बनी किसकी होती है, सेल वॉल जो होती है इसकी वो किसकी बनी होती है, प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज शुगर की बनी होती है ना, कार्बोहाइड्रेट की, तो सेल्यूलोज से ही क्या बना दिया, सेल्यूलेज एंजाइम बना दिया, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है। अब सेल्यूलोज एंजाइम्स कहाँ से लिया गया, सेल्यूलोज से, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, सिंपल ट्रिक भी लगा सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल के लिए क्या है लाइसोजाइम, प्लांट के लिए सेल्यूलेज। एक क्वेश्चन और बनता जाता है इसमें कि फंगस जो सेल वॉल होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, वो भी हमने देखना, तो इसके लिए यूज़ होगा काइटिनेज, तो काइटिनेज एंजाइम जो है फंगस सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के काम आता है, ठीक है, अगर हमें फंगस सेल से क्या निकालना है, डीएनए निकालना है। अब जो फंगस सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिनेज की, ओ सॉरी काइटिन की, तो काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, तो फंगस की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन पॉलीसेकेराइड की, इसलिए उसी से क्या एंजाइम बना दिया, काइटिनेज बना दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन हमने ये भी बना दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बार पेपर में आता है, वेयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड इन 1992, यानी अर्थ समिट 1992 में कहाँ हुआ है, जगह का नाम पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, क्या आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरो, और रियो डी जेनेरो कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है ब्राज़ील में, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी, तो इसका राइट आंसर रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ MALT, तो MALT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एम का मतलब होता है म्यूकोजा, ठीक है, एक का मतलब होता है एसोसिएटेड, ठीक है, एक का मतलब क्या हो गया, एसोसिएटेड, और एल का मतलब हो गया लिम्फोइड, ठीक है, एल का मतलब क्या है, लिम्फोइड, और टी का मतलब क्या है, टी का मतलब हो जाता है टिशू, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिशू, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो म्यूकोजा लिम्फोइड एसोसिएटेड, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिशू। उसके बाद है अगला इमेस्कुलेशन,
इमैस्कुलेशन क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर, द रिमूवल ऑफ एंथर, यानी एंथर को यहाँ पे रिमूव करना है, और कहाँ से करना है? फ्रॉम बाईसेक्सुअल फ्लोवर। देखिए बाईसेक्सुअल फ्लोवर जो होते हैं, इसका मतलब ये है, बाईसेक्सुअल होता है जो, इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसमें इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, जो एंथर होता है उसको रिमूव कर देते हैं मैच्योर होने से पहले, ठीक है, ताकि हमें डिज़ायर वेराइटी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कोल्यूराइजा, ठीक है। तो कोल्यूराइजा क्या होता है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो ये क्या है जो कोल्यूराइजा, वो क्या है, कवरिंग, ये क्या है, द कवरिंग ऑफ थिन सीट ऑफ रेडिकल इन मोनोकोट सीड, ठीक है भाई। तो जो कवरिंग है किसकी, मोनोकोट सीड की, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कोल्यूराइजा, ठीक है भाई, क्या बोल देते हैं, कोल्यूराइजा, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि लैंड डायनासोर में सबसे जो बड़े डायनासोर है उनका नाम क्या है, उसका नाम है एजेंथेनोसोर्स, ठीक है, क्या नाम है, एजेंथेनोसोर्स उसका नाम है जो सबसे बड़े डायनासोर थे धरती पर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन प्रोसीडर इन मेल इज़ कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में क्या करते हैं हम इसमें जो वॉश डिफरेंस होती है वुमेन मेल में, उसको कट कर दिया जाता है और टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वैसेक्टोमी तो किस में हो गया, मेल में हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट इज़ वैसेक्टोमी, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वैसेक्टोमी क्या है, तो इसका आंसर ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा मेथड है उसको, तो इसका आंसर वैसेक्टोमी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से और बन जाता है, वैसेक्टोमी तो हो जाता है मेल में, एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो मेल में क्या होगा, वैसेक्टोमी, एक होता है फीमेल में जो होता है उसका नाम है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट कर देते हैं, ठीक है। वैसेक्टोमी हो गया मेल में, ट्यूबेक्टोमी हो गया फीमेल में। तो इसमें ऐसे ट्रिक भी लगा सकते हैं कि वॉस डिफरेंस किस में होती है, मेल में, तो वॉस डिफरेंस से हो गया वैसेक्टोमी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिनाइल एलानिन इज़ कन्वर्टेड इनटू विच कंपाउंड इन फिनाइल कीटोन यूरिया, तो फिनाइल कीटोन यूरिया में ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, टायरोसिन, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ पे एक नंबर के जो सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे दो नंबर के, यानी टू मार्क क्वेश्चन, ठीक है भाई। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, दो नंबर का है। तो इसमें क्या है, वाई इज डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल वैन कम्पेयर टू आरएनए, यानी आरएनए के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और केमिकली कम रिएक्टिव होता है, तो ऐसा क्यों है। तो डीएनए जो होता है उसको देखते हैं पहले हम, तो जो डीएनए होगा उसमें क्या क्या चीज़ें, पहली चीज़ तो ये है कि ये बना होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का, या फिर कह सकते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है इसमें। तो डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर इसमें होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसमें होगी वो क्या है, दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे हम वो क्या है, डीऑक्सी राइबोज हो गया इसमें, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसमें होगी वो है कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो थायमीन प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, यूरेसिल की जगह पे डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है, ठीक है, थायमीन प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल। तो ये दोनों ही क्या हैं, ये भी नाइट्रोजनस बेस है, ठीक। तो जो थायमीन है ये कम रिएक्टिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो रहेगी कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए क्या होता है,
डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, तो इस वजह से ये मोर स्टेबल रहेगा और लेस रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम आरएनए को, ठीक है। तो ये तो हो गई डीएनए की बात, अब हम नेक्स्ट देखेंगे आरएनए को। तो आरएनए में क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो पहली चीज़ क्या है आरएनए में, देखो इसमें होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है जो आरएनए होता है, पहली चीज़, जबकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। और इसमें दूसरी चीज़ क्या है, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या है भाई, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ इसमें क्या है आरएनए में, कि इसमें एक ओएच होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, ओएच होता है इसमें, जो ये भी क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और एक चीज़ इसमें और भी है, इसमें राइबोज शुगर होती है, इसमें जो शुगर रहेगी वो राइबोज रहेगी, और डीएनए में कौन सी रहेगी, डीऑक्सीराइबोज रहेगी। तो ये डीएनए की बात होगी और यहाँ पे आरएनए की बात होगी, तो ये दोनों में डिफरेंस भी यहाँ पे पता लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, ठीक है भाई, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। तो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के मेन रीज़न क्या हैं वो यहाँ पे हमने देखने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम चार रीज़न लिखेंगे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, तो चार रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे। दो नंबर का क्वेश्चन है, अगर चार पॉइंट बना के लिखेंगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न है हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। पहली चीज़ हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज़ हो चुका है। देखो हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ होंगी तो मोर्टिलिटी रेट भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। देखो ये मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं लिखा, इंक्रीज़ नहीं लिखा है, ओनली निशान लगा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये डिक्रीज़ का निशान लगा दिया, ठीक है। डाउन साइड में एरो जो मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब है डिक्रीज। और MMR का फुल फॉर्म क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, MMR की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये क्या हो जाता है, IMR। तो IMR का मतलब क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी जो इन्फेंट है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ने की वजह से जो इन्फेंट हैं उनकी भी जो मोर्टिलिटी रेट है वो भी क्या हो चुकी है, डिक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाउन साइड एरो लगा दिया है कि इसका मतलब है डिक्रीज़, ठीक है। तो MMR डिक्रीज़ हो रहा है इन आई, और ये क्या है, IMR डिक्रीज़ हो रहा है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये हो गया IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अगला जो रीज़न है वो क्या है, अगला रीज़न है इंक्रीजिंग पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी जो रिप्रोड्यूसिबल एज है उसमें जो पीपल हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा है तो वो भी इंक्रीज़ करने का काम करेंगे, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज़ होगा। तो चार रीज़न हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इंडिया में, ठीक है। तो पहला हो गया हेल्थ फैसिलिटीज़, दूसरा हो गया MMR, तीसरा हो गया IMR, ठीक है, और चौथा क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूसिबल एज पीपल जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं, उनका नंबर भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोबेबल रीज़न हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि लिम्फोइड ऑर्गन है क्या चीज़। तो लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है या पॉलीफ्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक प्लेस हियर। तो लिम्फोसाइट जो होती हैं यहाँ पे वो मैच्योर होती हैं लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक है भाई। अब लिम्फोसाइट क्या होते हैं, एक तरीके के WBCs हैं, ठीक है। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमने बताना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एक तो होगा थाइमस। तो थाइमस ग्लैंड है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बच्चों में जिसका साइज़ ज़्यादा होता है और ओल्ड एज पर्सन में इसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे थाइमस और बोन मेरो दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो थाइमस और बोन मेरो ध्यान रखना है कि ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। अब
ये दोनों क्या हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और भी होती है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी पूछा है तो हो सकता है कहीं पे सेकेंडरी पूछे, ठीक है। तो सेकेंडरी ऐसे लिखा जाता है, देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ये कौन कौन से हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, स्प्लीन, और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है, टॉन्सिल्स, ठीक है, पेयर पेच भी होते हैं, ये क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। स्प्लीन क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, जो आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी, ग्रेवयार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है खुद करेंगे आप, ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एमटीपी। देखो पहली चीज़ तो हमें एमटीपी का पूरा नाम पता होना चाहिए, एमटीपी का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो एमटीपी की नीड क्या है, पहली चीज़ हमें ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एमटीपी की नीड क्या है। देखो एमटीपी की फुल फॉर्म भी बहुत बार आती है पेपर में, ठीक है, तो इसकी नीड क्या है वो चीज़ हमने देखनी, ठीक है। तो एमटीपी की नीड क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए भाई इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी ज़रूरत क्या है, तो टू इट इज़ यूज टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज, इट इज़ यूज टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है भाई, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनसे गेट रिड ऑफ के लिए, और इन केस ऑफ रेप, अगर कोई रेप केस हो तो उसमें भी प्रेगनेंसी से अगर हमें रिड ऑफ पाना है तो उसके में भी करा सकते हैं। अगली जो चीज़ है, टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम प्रेगनेंसी, टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम प्रेगनेंसी व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज फेटल टू मदर और फिटस और बोथ, यानी अगर कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी मदर और फीटस के लिए, दोनों के लिए, या फिर फेटल है यानी जानलेवा है, तो उसमें भी हम एमटीपी करा सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी, और इनमें से किसी एक के लिए भी, या तो फीटस के लिए हो सकती है यानी दोनों के लिए फेटल हो सकती है, या फिर किसी एक के लिए फेटल हो सकती है, इस वजह से हम एमटीपी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है कराने का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट आर द होमोलोगस ऑर्गन। देखो होमोलोगस, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या रहेगा, होमो का मतलब रहेगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलोगस पूछा है, होमोलोगस ऑर्गन, तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गन हैं, होमोलोगस ऑर्गन जो है वो ऐसे ऑर्गन हैं जिनका ओरिजन सेम है, जिनका सेम ओरिजन है, ठीक है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी सेम है, ठीक है, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। तो इन ऑर्गन का, होमोलोगस ऑर्गन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा, इनका फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है भाई, यानी बनावट सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं उनको, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उसका हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, और दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं फोर लिम्ब ऑफ चीता, यानी चीता के जो फोर लिम्ब्स होते हैं, फोर लिम्ब्स का मतलब होता है जो अपर लिम्ब्स होते हैं, या अगले वाले जो पैर होते हैं या हाथ होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, तो एक्सोन्यूक्लियस क्या है और एंडोन्यूक्लियस क्या है, दोनों ही एंजाइम हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसका यूज़ क्या है ये देखेंगे पहले,
तो एक्सगो न्यूक्लियस जो है ये क्या करते हैं, कट्स द डीएनए, इट इज़ यूज टू कट्स द डीएनए। कहाँ पे यूज़ होते हैं, इट इज़ यूज टू कट्स द डीएनए एट एंड पॉइंट। तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड या एंड पॉइंट, तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, यूज टू कट द डीएनए, कट द डीएनए एट एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट से डीएनए को कट करने के काम आते हैं। और जो एंडोन्यूक्लियस हैं ये इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, तो एंडोन्यूक्लियसिस जो हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं। ठीक है, जो एंडोन्यूक्लियसिस हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं, तो ये इनके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एंडोन्यूक्लियसिस क्या करेंगे, ये यूज़ होते हैं टू कट्स द डीएनए, टू कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, यानी इनके लिए स्पेसिफिक लोकेशन होती है, ये वहाँ से डीएनए को कट कर देते हैं, या पोजीशन होती है या लोकेशन एक ही बात है। और इसके लिए जो सीक्वेंस होती है वो होती है, वो क्या होती है, जी ए ए टी टी सी। ठीक है, ये इनके लिए स्पेसिफिक लोकेशन होती है, और इसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस भी बोला जाता है। ठीक है भाई, इसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस भी बोला जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, व्हाट आर द पैलिंड्रोम्स, यानी दोनों साइड से जो सेम पढ़ी जाए। ठीक है भाई, तो ये चीज़ भी हमने देखनी है। ठीक है, डीएनए को कट करने के काम आते हैं दोनों एंजाइम। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इससे भी हमें क्या मिल गया, दो क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर दो दो नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग क्या हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद ये देखिए दसवां क्वेश्चन, कैस्मोगेमस या चेस्मोगेमस फ्लोवर क्या होते हैं, और तो चेस्मोगेमस फ्लोवर क्या होते हैं, डू नॉट नहीं सॉरी जो चेस्मोगेमस फ्लोवर होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, उनका एंथर और स्टिग्मा जो होता है क्लियरली एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड क्लियरली। ठीक है, नैनी क्लियर एक्सपोज होते हैं, तो इनमें क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। ठीक है, जो कैस्मोगेमस या चेस्मोगेमस फ्लावर हैं तो इनका एंथर और स्टिग्मा क्लियरली विजिबल होता है, तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। लेकिन जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर हैं इनमें जो क्लेस्टोगेमस फ्लोवर जो हैं इनमें एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज होते हैं, क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो इसमें ओनली सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन इसमें नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो ये क्या है, राइट द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ एसजीपी, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो गोल हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े से लिखने वाले क्वेश्चन हैं ज़्यादा, तो इनको तुम खुद सॉल्व करोगे, ये तुम्हें पता ही है कि कौन से चैप्टर में ये क्वेश्चन है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे